बारिश या तूफान के वक्त बिजली कड़कना काफी आम होता है। आपने देखा होगा कि पहले आकाश में एक लाइट चमकती है, उस लाइट के चमकने के बाद एक तेज आवाज आती है, इसे बिजली का गरजना कहा जाता है। बादलों में रगड़ की वजह से अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होते हैं और ये जब एक बादल या दूसरे बादल के बीच में डिस्चार्ज होते हैं तो बिजली पैदा होती है। नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपल करते हैं। और वहीं बादलों में जमीन पर बिजली तब गिरती है जब इनके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज का आदान प्रदान होता है। दोनों ही तरीके की बिजली की स्पीड काफी तेज होती है और माना जाता है कि इसकी स्पीड करीब 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। इससे होता क्या है कि बिजली की लाइन या जो स्ट्रीक होती है उसके आसपास की हवा कुछ ही देर में 20,000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है और ये इतनी गर्म होती है कि ये एक्सप्लोजन की तरह फैलती है और फिर से तेज झटके वाली वेव्स पैदा होती हैं और ये सभी डायरेक्शंस में फैल जाती हैं। अब ये जो वेव्स होती हैं ये आवाज़ का कारण होती हैं और ये वेव्स ही हमें गरज या गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देती हैं और इस आवाज़ की स्पीड 340 मीटर प्रति सेकेंड होती है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिजली कितनी दूर गिरी है। पर अब बात करते हैं कि आवाज़ बाद में आती है और बिजली पहले गिर जाती है। तो दोस्तों ऐसा होता इसलिए है कि लाइट एक सेकंड के अंदर 3,00,000 किलोमीटर की वो दूरी तय कर लेती है, लेकिन जो आवाज़ की जो स्पीड होती है वो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब लाइट की स्पीड से बहुत कम। इसी वजह से लाइट हमें पहले दिखाई देती है और बिजली की गड़गड़ाहट की या गड़गड़ाहट की जो आवाज़ होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है।